वेलकम माय यूट्यूब चैनल जनरेटर वाला। हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल जनरेटर वाला। आज मैं होंडा E1000 के लाया हूँ और होंडा EVK 650। आज इन दोनों कंपैरिजन बताऊँ कौन सा बेस्ट है आपके लिए। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं जनरेटर, फिर आपको फोटो दिखा। ये आपको देगा वोल्टेज का 220 है, फ्रीक्वेंसी की 50 है, HZ है और रेटेड आउटपुट 450 वाट का है और मैक्सिमम आउटपुट 550 वाट है। ये होंडा E650 के है ये मॉडल। इससे आपके 4 पंखे लाइट पंखे चलेगा। और होंडा EK 1000 इसको अभी दिखाते हैं आपको खोल के, पोर्टेबल होंडा जेनसेट। और ये रहा होंडा E1000 के, इसका आउटपुट देख लीजिए आप। ये है वोल्टेज 220 सभी का होता है, फ्रीक्वेंसी इसकी 50 है, रेटेड आउटपुट 650 वाट है और मैक्सिमम आउटपुट 750, मतलब ये 1 किलोवाट का जनरेटर है 750। ये देखिए तो इसके बारे में बताते हैं कौन सा आपके लिए बेस्ट है। अब दोनों के माइलेज के बारे में बताते हैं। ये आपका चलेगा 1 घंटा, ये अगर आपको चलेगा 1 लीटर में 1.5 से 2 घंटे के बीच तक, 1.5 घंटा मैक्सिमम। और ये आपको चलेगा 1 लीटर में 2 से 2.5 घंटा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी पावर इसमें ज़्यादा है। इससे पावर 200 वाट का फ़र्क है इसमें, क्योंकि 750 वाट मैक्सिमम पावर देता है, ये आपको 550 वाट मैक्सिमम पावर देता है। तो 200 वाट का फ़र्क है इसमें, इसीलिए थोड़ा माइलेज में डिफरेंस आ रहा है। और दोनों पेट्रोल और कैरोसिन चलते हैं जनरेटर, और दोनों अच्छे जनरेटर। आप जैसे आपका लोड हो तो अगर आपका ज़्यादा लोड हो तो ये लीजिए, और जैसे आपको कम लोड हो 3-4 पंखे चलें तो ये वाला ले सकते हैं। और ज़्यादा लोड हो तो आप समरसेबल चलाने के लिए फिर 2 KV का लीजिए। ये भी कैरोसिन पेट्रोल चलता है, और ज़्यादा लोड हो तो नीचे रखा हुआ 2800 का वाला ले लीजिए, गैस वाला ले लीजिए, ये रखा हुआ गैस वाला। अगर आपका छोटा मकान दिखा देना ना, मोटर ला कर, मोटर ले आया ना कौन से। होंडा का जनरेटर है E650, ये आपको देता है 450 वाट स्टार्ट हो 450 वाट देगा और रनिंग पे 550 वाट देगा। और ये है होंडा का, ये भी 1000, ये आपको देता है स्टार्टिंग में 650 और रनिंग में जब स्टार्ट होने के बाद मैक्सिमम आउटपुट 750 वाट देता है। तो इससे आपकी, अगर आपके यहाँ ये मोटर लगी हुई है, ये देखिए ये घरेलू मोटर होती है, जैसे समर्सिबल नहीं है, ये मोटर है, ये देखिए ये आपको देगा। इसका एम्पियर है 2.6 एम्पियर और वोल्टेज इसका है 230 और हेड 30, तो ये आपका चल जाएगा 1800 RPM का होता है। ये 350 वाट की होती है, ये 370 वाट की मोटर होती है ये आपकी चल जाएगी इससे 1000 वाले से, और 650 वाले से नहीं चलेगी क्योंकि इसकी वाट है 450 वाट और 550 वाट इसका मैक्सिमम आउटपुट। अगर आपके यहाँ मोटर चलानी है और आपको पंखे वंखे चलाने, तो ये आपके लिए बेस्ट है ये जनरेटर आपके लिए। और आपको घरेलू लाइट के लिए ये आपके लिए सही है, अगर घरेलू लाइट जलानी है तो इसका एवरेज है आपका 1 लीटर में 2 से 2.5 घंटा और इसका है 1.5 से 2 घंटे के बीच, 1 से 1.5 से 2 घंटा लोड अगर डालेंगे पूरा तो 1.5 घंटा, और जैसे लोड कम रहेगा तो आपका 2 घंटा चलेगा, और ये आपका चलेगा 2 से 2.5 घंटा फुल लोड पे। आपका ज़्यादा लोड है, अगर आपकी एक समरसिबल लगा आपके यहाँ 1 HP का, तो आप इससे चले होंडा EVK 2000 से। और अगर आपका और ज़्यादा लोड है तो 2800 मॉडल होता है, उससे आपकी 1.5 HP मोटर चल जाएगी। और ये गैस वाला मॉडल, इसका मैंने वीडियो बना के देख सकते हैं आप, इससे भी आपकी 1 HP मोटर चल जाएगी। तो अभी हम आपको इस वाले जनरेटर मोटर चला के दिखाएंगे, और इससे ये भी आपको चेक करा के दिखाएंगे। इससे 5 पंखे, 2 LED TV, 1 फ्रिज और 5-6 LED बल्ब मिल जाएंगे। इससे 3 पंखे, 1 फ्रिज, नया वाला फ्रिज जो बता रहा हूँ, इन्वर्टर फ्रिज वो आपको चल जाएगा, 1 LED TV और 5 बल्ब। अगर आप LED बल्ब अगर आपके
घर में तीन या चार कमरे में ज़्यादा काम रहता है जहाँ पे आप सोते हैं, तो इस ये आप ले सकते हैं। ज़्यादा आपके पांच कमरे में ज़्यादा काम है या छः कमरे में ज़्यादा काम है तो आप ये वाला ले सकते हैं। छः कमरे में फुल लाइट फुल पंखा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दो से ढाई घंटा इसका एवरेज है, इसका एक से डेढ़ घंटा है लोड पे, और कम लोड रहेगा तो दो घंटा ये भी चलेगा। होंडा E1000 स्टार्ट करने के बारे में बताते हैं। तो पहले ये आपको ऑन करना है, ठीक है। तो और आपको पेट्रोल स्टार्ट पे लाना है इसे, ये देखिए स्टार्ट पे ले आएंगे, ठीक है। और आप किक मार सकते हैं, और इसकी चोक ऐसे लगती है देखिए, ये इधर धीरे से बंद, धीरे से लगती है, चोक लग गई है। जब स्टार्ट है तुरंत चोक हटानी भी है आपको। और ये जनरेटर स्टार्ट हो गया, रन पे लाना होगा और जनरेटर स्टार्ट हो गया। अब आपको पावर दिखाते हैं, मेरा बोर्ड है इसमें एम्पियर, और आपको पावर दिखाना है। देखिए अब ये मैंने प्लग लगा दिया है, ये ऑन करते हैं, ये देखिए इसका एम्पियर है 4.220 वोल्टेज है, 450 वाट लोड पड़ा हुआ है। अब आपको मोटर चला के दिखाऊंगा मैं, हो गया बंद करें तो मोटर चल रही है। अब देखिए मोटर चल रही है, अब आपको पूरा लोड डाल के दिखाएंगे अपने घर का। देखिए मैंने चेंज ओवर से पावर काट दी, अपने सब घर की सप्लाई काट दी है पूरी, मेरे का पावर पूरी बंद है। ये देखिए ऑन कर दिया मैंने यहाँ से ही, अपने चेंज ओवर से मैंने हटा दिया। मैं जनरेटर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जैसे स्टार्ट किया अब इसको ऑन किया, ये देखिए स्टार्ट हो गया। ये देखिए मैंने पावर कनेक्ट की, देखिए पंखे चल रहा है मेरे घर का, ये दूसरा पंखा है, ये ट्यूबलाइट, और ये कंप्यूटर चल रहा है मेरे, मैं जनरेटर चल रहा था। और ये किचन का मेरी LED बल्ब चल रहा है, और ये मेरा लास्ट कमरा पीछे वाला, इसमें फ्रिज है, ये इन्वर्टर फ्रिज है, ये देखिए बस एक मिनट, इन्वर्टर वाला फ्रिज है, ये देखिए चल रहा है। और अभी आपका इससे टीवी भी चलेगा, ये देखिए इन्वर्टर फ्रिज है, ये पंखा चल रहा है, तीन पंखे चल रहे हैं इससे, एक फ्रिज LED बल्ब, दो तीन, और एक ट्यूबलाइट। देखिए 5 LED बल्ब, 3 पंखे, और एक फ्रिज, और एक कंप्यूटर चल रहा है, एक पंखा, और एक पंखा, और 2 LED टीवी चल रहे हैं। अब मैंने जनरेटर बंद कर दिया, पहले हमें ये ऑन करना होगा, इंजन स्टार्ट करने का, और ये स्टार्ट पे लाना होगा, ठीक है। अभी किक मैं स्टार्ट कर दिखाता हूँ, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इसको। ये देखिए 200 वाट के बल्ब है, बंद ही करती है, ठीक है। तो क्या वैसे बताओ, और 100 वाट देखिए मैंने 600-500 वाट पूरा लोड डाल दिया था इस पर, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।